सारे जेई एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो डेली बेसिस पे मोटिवेटेड रहे, इंस्पायर्ड रहे, डायरेक्टेड रहे और अलाइंड रहे, क्योंकि यार ये वैसा मैराथन है जहां पे अगर आपने हल्का सा भी डिविएट हो गए, है ना, डीमोटिवेट हो गए, रुक गए, थम गए, तो आपको पता होना चाहिए कि यार आप 99% में नहीं आ पाओगे, आप टॉप 1% वाले ग्रुप में नहीं आ पाओगे। फिर आपको बड़ी बड़ी छलांगें लगानी पड़ेगी, मल्टीपल शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, आपको मल्टीपल ट्रिक्स पता होनी चाहिए, तब जाके शायद आपका कुछ हो सकता है। इसमें लक एक फैक्टर प्ले करता है, हाँ लक एक फैक्टर प्ले करता है, यू नो वेयर लक प्लेज द मेजर फैक्टर, कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ, आप फेलियर से ना डरो। तो आज का जो सेशन है ना बच्चों, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल सेशन फॉर ऑल द जेई एस्पिरेंट्स, जहां पे मैं फेलियर के बारे में बात करना चाहता हूँ। यू नो देयर इज अ वेरी इंस्पायरिंग लाइन एंड आई विल टेल यू व्हाट दैट लाइन इज। फेलियर के ऊपर ये लाइन है दैट सक्सेस एंड फेलियर आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, इट्स मल्टीपल टाइम्स जब फेलियर होता है तब आपको सक्सेस मिलता है। एंड द कोट गोज लाइक सक्सेस इज द फेलियर इन प्रोग्रेस, सक्सेस इज फेलियर इन प्रोग्रेस। तो यार इसका क्या मतलब है और ये किसने बोला था, लेट मी टेल यू, ये द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कोट दिया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार एक ऐसा इंसान जो इंटेलिजेंस से एसोसिएट होता है, यार तुम अपने आइंस्टाइन हो के अपनी फील्ड के ऐसे बोलते हैं ना, सो दैट दिस पर्सन इज एसोसिएटेड विद इंटेलिजेंस। उनकी सबसे फेमस जो इक्वेशन थी इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और अपनी एज के स्पेशली 1921 में इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। वी नो हिम फॉर सच ग्रेट थिंग्स। कितने सारे कोट्स के आगे फालतू में इनका नाम जोड़ दिया जाता है, मतलब बोलते हैं यार ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था तो हम सीरियसली लेते हैं। बट लेट्स गो बैक इन टाइम। हमें लगता है कि इनकी अकेडमिक्स तो अमेजिंग होगी, नहीं, ही वॉज अ रिबेल, मतलब अपने टाइम में वो रिबेल थे, मतलब वो बहुत मानते थे अपने आप को। उनको अपने रिबेलियस एक्शंस की वजह से, नेचर की वजह से स्कूल ने बाहर कर दिया था। ही वॉज किक्ड आउट ऑफ स्कूल, किक्ड आउट मतलब ही वॉज थ्रोन अवे, एक्सपेल्ड। अब उसके बाद इन्होंने ज्यूरिख का एक पॉलीटेक्निक स्कूल था, वहां पे भी इनको एडमिटेंस नहीं मिली, वहां पे भी इनको एक तरीके से फेलियर मिला कि यार उनको लिया ही नहीं गया। उसके बावजूद उन्होंने इतने ही सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ी। आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फेल होना, भ्रम का टूटना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव टू बी वेरी ग्राउंडेड, यू हैव टू सफर, यू हैव टू फेल। तो यार ड्यूरिंग योर आईटी जेई प्रिपरेशन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जेई प्रिपरेशन जो कर लेता है ना, वो बहुत सारे फेलियर्स पहले से देख लिया होता है, यार उसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मार्क्स नहीं आ रहे, इतने कम परसेंटाइल आ रहे हैं, है ना। तो इतने सारे फेलियर्स को देखने के बाद एक्चुअली आप स्ट्रॉन्ग बनते हो। आपको पता है इंडियंस इतना मचाते क्यों हैं दूसरे देशों में भी जाके, क्योंकि यार उन्होंने इतना रिग्रस कॉम्पिटिशन देखा होता है, यार इतना सब कुछ देखा होता है पहले से, तो दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर द वर्ल्ड टू कॉन्कर इट। तो यार इसको एम्ब्रेस करो, इसको एंजॉय करो और बी मच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि यार जिस रिग्रस ट्रेनिंग से आप जा रहे हो ना, वो आपके लिए बनी है एंड यू आर डेस्टाइंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग। एंड जिस दिन आप इस चीज को समझ गए ना, देन यू बिकम अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल, जो हम हमेशा अकेडमी पे आपको बताते हैं, दिस इज वॉट यू हैव टू बी। हम हमेशा बोलते हैं कॉम्पिटिशन से डरो मत, बी अ ब्रेव पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन को एंजॉय करो, क्योंकि द डे यू स्टार्ट एंजॉइंग कॉम्पिटिशन, जो आपका फेवरेट स्पोर्ट होता है, उसमें आप जबरदस्ती लोगों को बोलते हो चलो कम्पीट करते हैं, गेम खेलते हो, गेम खेलने में आपको मजा आता है। तो यार ये भी एक वैसा ही ब्रेन गेम है, जेई का प्रिपरेशन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को आपको उस लेवल तक लेके जाता है, मतलब मजा आता है, ठीक है। तो उसको एंजॉय करना स्टार्ट करना है हमें आज की डेट से। और ये सारे जेई 2023 और जेई 2024 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 23 वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैवॉक में हैं, स्पेशली ड्रॉपर्स बड़े उदास हैं कि यार हमारा पेपर इतनी जल्दी आ रहा है, बट सबके लिए आ रहा है, कॉम्पिटिशन है तो सबके लिए। हम मल्टीपल तरीकों से, जैसे कि युद्ध बैच हो गया, है ना, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन हो गया, इन सब में यार इतने सारे जो बैचेस हम बनाते हैं, पता है उसमें हम वो एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं कि यार आपको वो फील हो। बिकॉज अगर आपकी कॉम्पिटिशन, है ना, अगर मतलब अगर वो कॉम्पिटेटिव स्पिरिट आप में नहीं है, है ना, अगर वो रिग्रेस आपको रगड़ा नहीं गया बैच में, तो आपको पता है आप कभी सक्सेसफुल नहीं होते। और ये हम चला के करते हैं। एट पॉइंट्स वी ऑल्सो वॉन्ट कि थोड़ा सा डिस्करेज, डिसहार्टन आप हो, क्योंकि यार वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर अ बिग वॉर, हिंदुस्तान का सबसे प्रेस्टीजियस एग्जामिनेशन। इस चीज को समझो, जेई 2023 शुड ऑल्सो बी अबाउट द न्यू ईयर रेजोल्यूशन ऑफ 2023। और पता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन ऑफ 2023 शुड बी दैट फेलियर इज द फ्यूल ऑफ चैंपियंस, जो अनअकैडमी की एक टैगलाइन भी है, आपने देखा होगा। सचिन ने भी कितना ज्यादा, वो आपने ऐड दिखा होगा जहाँ पे सचिन की हमने यू नो स्ट्रगल्स दिखाई, उसके बाद दिखाया कि उसने जो बैटिंग करी, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज द फीलिंग दैट यू शुड ऑलवेज हैव इन योर माइंड। उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी पे बीइंग वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ अनअकैडमी एंड बीइंग द डायरेक्टर ऑफ जेई एंड नीट एंड टीम उड़ान का प्राउड लीडर, आई वुड वांट टू टेल यू कि हमने एक इनिशिएटिव लिया है बच्चों, एंड इनिशिएटिव इज नोन एज रिजॉल्व 2023। रिजॉल्व 2023 इज वेयर हम आपको हर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में इंस्टेड ऑफ 10% मतलब 20% डिस्काउंट देते हैं, 23% डिस्काउंट देते हैं, बिकॉज इट इज 2023। इफ यू यूज द कोड उड़ान, उड़ान वो कोड है जिससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट मिलता है, डिस्काउंट भी मिलता है और आपको उड़ान टीम के बैचेस भी मिलते हैं, यलगार, योद्धा, योगी बैच, युद्ध बैच, है ना, इन सब चीजों का एक्सेस आपको मिलता है बिकॉज यू यूज दैट कोड, ठीक है। तो आप डेफिनेटली, यार मैं आपको एक लिंक भी दूंगा, लिंक अगर आप यूज करेंगे तो आपको कोड यूज करने की जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली मैं चाहूंगा, लिमिटेड सीट्स हैं, हमें वो योद्धास चाहिए जो यार मतलब मचा दें इस एग्जामिनेशन में। और अगर आप में वो बात है, अगर आपको लगता है कि यार आप इस रिग्रेस, है ना, क्या बोलते हैं उसको, अग्नि परीक्षा के लिए रेडी हो, तो डेफिनेटली कम ऑन बोर्ड विद अस ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म, क्योंकि यार यहाँ पे हम आपको खाली रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू नहीं पढ़ाते, हम लाइव होते हैं, कॉन कॉल पे आप उससे बात कर सकते हो ड्यूरिंग द क्लास एंड इट इज हाईली पर्सनलाइज्ड, इसीलिए हम हायर सिलेक्शन रेशियो भी निकाल पाते हैं। तो इंश्योर करना कि आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन ले अगर आप इस युद्ध के लिए रेडी हैं, अगर आप इस फीलिंग, क्योंकि मैं आपको यार शुगर कोट नहीं करना चाहता कि अमेजिंग होगा, आप आ जाओ, है ना, मजे से पढ़ेंगे और सिलेक्शन भी होगा, मजा भी आएगा, बट एट द सेम टाइम, है ना, आपका मतलब आपको तैयार किया जाएगा, यू विल बी हैमर्ड मल्टीपल टाइम्स, यू विल बी हैमर्ड मल्टीपल टाइम्स इन योर माइंड, बट यू हैव टू फाइट इट, उसके बाद ही पता है जीतने का मजा आएगा।
बट इस सफर को अगर आप हमारी उड़ान टीम के साथ करोगे ना तो मजा आएगा, इंडिया की बेस्ट टीम के साथ। सो डेफिनेटली दैट्स अबाउट इट। और मैं ऐसे मोटिवेटिंग सेशंस आपके लिए और लाता रहूंगा, है ना। कमेंट्स में जरूर अपना प्यार दिखाना और मैं आपका एक एक कमेंट पढ़ूंगा। तो डेफिनेटली यार कमेंट करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आई विल कीप शेयरिंग सच इंस्पायरिंग स्टोरीज विद यू एवरी नाउ एंड देन। लेट्स क्रैक इट।